बेस का मेननेट लाइव आ चुका है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसमें कम से कम फीस में $1 से $2 की सिर्फ फीस में आपका ब्रिज वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें एक गैलेक्सी कैंपेन है, ऑन चेन समर कैंपेन है, इसमें हमको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और ये वैलिड कब है गाइस, अगस्त 9 तक ही है। तो आज ये वीडियो देख के आज ही आप जाके टास्क कंप्लीट कर लेना और इसमें जो ट्रिक बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करना, तो आपका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा सस्ते में। तो गाइस बेस का ही ऑफिशियल ब्रिज है, सब लोग आपको बोलते रहेंगे कि ब्रिज ऑफिशियल ब्रिज से ब्रिज करो, बट जो समर टास्क आया हुआ है उसमें कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं किया है कि आपको इनका ऑफिशियल ब्रिज ही यूज़ करना है। अभी मैं क्यों मना कर रहा हूँ ऑफिशियल ब्रिज यूज़ करने के लिए, इसमें जो फीस लग रही है ना आपके सामने ही अभी दिखा देता हूँ। देखो मैं 0.002 इथेरियम में डिपॉजिट करने जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक क्लियर बात देख लो, यहाँ पे आपको फीस कितनी लग रही है, $5, $5.50 की तो सिर्फ फीस लग रही है, वो भी ये है कि लोवेस्ट गुए हुए, ऐसा नहीं कि हाईएस्ट गुए पे चल रहा, लोवेस्ट गुए पे भी इतनी आपको फीस लग रही है। बट मैं अभी जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें आपको $1 से $2 ही लगेगी। बट फर्स्ट मेनली गाइस आपको बता देता हूँ इसमें आपको है कि बेस नेटवर्क अपने मेटामास्क में कैसे ऐड करना है। सिंपल ये ब्रिज वाले टास्क में आ जाना है, इसकी लिंक सिर्फ प्रोवाइड करूँगा अभी नहीं, तो इन द फ्यूचर ये काम आ सकता है। तो आपको सिंपल इधर विड्रॉल रहता है ना इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको एक विड्रॉल सेक्शन में इधर चले जाना, विड्रॉल है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते स्विच नेटवर्क आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो एक अप्रूवल का आएगा आपको जहाँ पे आप अपना बेस नेटवर्क इसमें ऐड कर सकते हो अपने मेटामास्क में, ठीक है। ये तो हो गया, आपको समझ आ गया कि बेस नेटवर्क कैसे ऐड करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे अपने टोकन इथेरियम आपको भेजने बेस नेटवर्क में विदाउट इनका ऑफिशियल ब्रिज यूज़ किए बिना। तो आप इनका देख सकते हो, ये है गैलेक्सी कैंपेन, ठीक है, ब्रिज टू बेस करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो मैंने सब क्राइटेरिया कंप्लीट किया है और वो भी मैंने इनका ऑफिशियल ब्रिज यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है फंड योर वॉलेट बेस वॉलेट, तो यहाँ पे गाइस कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि ऑफिशियल ब्रिज यूज़ करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्लियरली आप देखो, ये आपको कोई नहीं बोलेगा यू कैन ब्रिज वीआई ऑफिशियल ब्रिज और थर्ड पार्टी ब्रिजेस। तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि आप थर्ड पार्टी ब्रिज भी यूज़ कर सकते हो। अभी थर्ड पार्टी ब्रिज कौन सा है वो आपको मैं बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो थर्ड पार्टी ब्रिज कौन सा है। तो गाइस वो थर्ड पार्टी ब्रिज है ऑर्बिटर का, आप यूज़ करो, इसमें $1 से $2 की फीस लगेगी। और मेनली ऑर्बिटर का खुद का भी टोकन आने वाला है, तो इससे हमको ऑर्बिटर में और भी ट्रांजेक्शन होगी और भी एयरड्रॉप मिलेगा। और एक और सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ, वो भी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस नेटवर्क में आप डिपॉजिट्स तो कर सकते हो, बट बेस नेटवर्क में आप विड्रॉल करने जाओगे तो यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं है शायद, यहाँ पे आप पढ़ लो, ये बेस नेटवर्क का विड्रॉल सेशन है पूरा पढ़ लो। इधर क्या लिखा है, ट्रांसफ़र टाइम विद इन 7 डेज, 7 दिन लगेंगे ट्रांसफ़र होने के लिए। तो आप इसलिए बोल रहा हूँ कि सोच समझ के ही इधर से आप विड्रॉल करने जाओगे, डिपॉजिट इतना ही अमाउंट करो जितना उधर ज़रूरत है, मतलब $10 वर्थ का ही डिपॉजिट करो। और वो भी आप ऑफिशियल ब्रिज से डिपॉजिट मत करो, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या करो ऑर्बिटर ब्रिज से डिपॉजिट करो, तो आपको सस्ते में हो जाएगा, $1 से $2 की ही सिर्फ फीस लगेगी। अभी यहाँ पे आप नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, तो यहाँ पे आपके पास समझो इथेरियम में है तो इथेरियम सिलेक्ट करो, आपके पास जेके सिंक एरा में है तो जेके सिंक एरा सिलेक्ट करो, आपके पास अगर लीनिया में है तो लीनिया सिलेक्ट करो, आर्बिटर में तो आर्बिटर सिलेक्ट करो, पॉलीगॉन जेके ईवीएम में है तो पॉलीगॉन जेके ईवीएम भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो समझ लो मेरे पास जेके सिंक एरा में है, मैंने जेके सिंक एरा सिलेक्ट कर लिया। एरा सिलेक्ट करने के बाद देखो मिनिमम 0.005 भेज सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आप देख लो लीनिया से भेजना है तो लीनिया से भी भेज सकते हो, 0.005 है, बट मैं आपको बोलूँगा यहाँ से आप जेके सिंक एरा से भेजो या फिर इथेरियम से भेजो, जल्दी और इजीली हो जाएगा। और नीचे आपको सिलेक्ट कर लेना है स्क्रॉल डाउन करके बेस का, ठीक है। तो मैंने इधर सिलेक्ट किया हुआ बेस, तो आपको भी बेस सिलेक्ट करना है, मिनिमम 0.005, सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करते ही आपको इसमें ट्रांजेक्शन दिखाने लग जाएगी, कितनी गैस फीस लग रही है और कितना ये लग रहा है आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म है, कंफर्म के ऊपर क्लिक करके सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी गैस फीस कितनी नज़र आ रही है, ये गैस फीस है गाइस 0.4 बार 0.515, मतलब आपको है कि सिर्फ $1 से $2 लगेगा गैस फीस, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो गाइस मैंने ऑलरेडी मेरे के ट्रांसफ़र किया हुआ है इसके थ्रू ही और मैंने वो टास्क भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे वॉलेट में चेक भी कर सकते हो, मेरे वॉलेट में देखो $10 वगैरह भेजा था, इसमें मैंने सब टास्क किए हैं,
इसलिए है कि इतना फीस रहा है, बट कटे हैं सिर्फ $2 से $1.5 ही कटे हुए हैं ब्रिज के टाइम पे। और ये बेस नेटवर्क है, बेस नेटवर्क में ये मेन नेट है, टेस्ट नेट नहीं है, और इसमें मेरे बैलेंस भी है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टास्क रहेगा गाइस, एक NFT मिंट करने का, ये वाली NFT, ये सेम जोरा जैसे, आप ऐसा नहीं कि एक ही मिंट करनी है, पांच ही मिंट करनी है, आपको जितना चाहे कस्टम पे यूज़ करके आप मिंट कर सकते हो, जैसे 10, 20, 25, 50 भी मिंट कर सकते हो, ठीक है। और मेनली यहाँ पे मिंट करोगे तो आपकी फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं लगने वाली, आपको अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ। और अभी इस NFT की फ्लोर प्राइस चल रही है 0.0001 इथेरियम की चल रही है ओपन सी NFT मार्केट प्लेस में। और यहाँ पे देख सकते हो ये ओपन सी है, यहाँ पे फ्लोर प्राइस देख सकते हो 0.0001 की है, जो हमने अभी जो आपको बता रहा हूँ वो NFT मिंट करने के लिए, ठीक है। तो ये इतनी प्राइस की चल रही है, ये सेलिंग प्राइस है फिलहाल। और मिंट करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपका वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट रहेगा, नेटवर्क रहना चाहिए आपका बेस का, ठीक है, बेस नेटवर्क रहना चाहिए। आप इधर कितनी भी लिख सकते हो NFT, मिंट पे क्लिक कर देना है। मिंट पे क्लिक करने के बाद मेटामास्क में एक आ जाएगा ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन आते हैं आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने 25 NFT रखी है, प्राइस कितनी लग रही है, सिर्फ $0.43 की गैस फीस, और मैं सिंपल कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ और ये हमारा मिंट हो जाएगा। मिंट होने के बाद आपको इस तरह का नज़र आ जाएगा, कॉइनबेस NFT इट्स यूअर्स करके लिखा हुआ, ठीक है। और ये मेरा वॉलेट है गाइस, आप अभी चेकआउट कर सकते हो, 6.69 है, मतलब $0.43 की सिंपल फीस लगी है 25 NFT मिंट करने पे भी। जो भी अभी NFT आपने मिंट की है वो आप कहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये वाली NFT ओपन सी NFT मार्केट प्लेस में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, चाहे तो सेल भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये वाले पेज पे आ जाना है, जो गैलेक्सी पेज है इसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट रहेगा गैलेक्सी पासपोर्ट होल्डर, आपके पास पासपोर्ट नहीं है गैलेक्सी का, इसके बारे में बहुत बार मैंने वीडियो में बताया था आपको और अपडेट भी दी थी कि कैसे आपको मिंट करना है, फिर से बता रहा हूँ। आप अगर न्यू यूज़र हो तो आपको सिंपल ये पेज पे आने के बाद अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे 3 लाइन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर गैलेक्सी ID दिखाई देती रहेगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पासपोर्ट है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको पासपोर्ट भी मिंट कर लेना है। पासपोर्ट के टाइम पे आपका वेरीफाइड कुछ ना कुछ मांगते हैं, मतलब आधार कार्ड वगैरह कुछ ना कुछ मांगेंगे, ठीक है, वो दे देना है। अभी मेनली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो गिटकॉइन पासपोर्ट और गैलेक्सी पासपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एयरड्रॉप्स के लिए, इतना ध्यान रखो। मैं अभी से नहीं बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग से बहुत टाइम्स पहले से भी बता रहा हूँ, इसलिए एक वीडियो भी प्रोवाइड की थी गिटकॉइन स्कोर बढ़ाने की। अभी एक और नेक्स्ट है गाइस, गिटकॉइन स्कोर का क्या वैल्यू है, कि आपका वॉलेट सेबिल में नहीं आएगा, आप मल्टी वॉलेट से भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। अभी नेक्स्ट रहेगा, फर्स्ट वन हो गया और सेकंड वन का आंसर आपको क्या करना है, ट्रू है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट वन ऑटोमेटिक आप क्लिक करोगे तो कंप्लीट होगा, अगर गैलेक्सी पासपोर्ट है तो आपके पास। थर्ड वन आपको दिखाई रहेगा, फंड योर बेस वॉलेट, आपने अगर ऑर्बिटर से भी फंड भेजे हैं तो आपको सस्ते में भी होगा और ये वाला टिक भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि इधर क्लियरली लिखा हुआ है थर्ड पार्टी ब्रिज यूज़ कर सकते हैं तो वेरीफाई होगा। अभी फोर्थ वन है, मिंट अ ब्रिज टू बेस NFT, ये अभी हमने आपको टास्क करके दिखाया, एक मिंट किया है तो ये भी टिक हो जाएगा आपका सक्सेसफुली। नेक्स्ट इधर दिया है कि फॉलो बेस जोन, इस पर आपको क्लिक करना है, इनको ट्विटर पे फॉलो करना है, ये ट्वीट कर देना है, ये भी ट्वीट कर देना है। पार्टिसिपेट पे क्लिक करने से पहले एक और टास्क है वो बता रहा हूँ, बेस में एक और NFT है, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये वाले पेज पे आ जाना है अपना, एक इधर से वॉलेट पहले कनेक्ट कर लेना है, नेटवर्क होना चाहिए बेस का, मेन नेट में, टेस्ट नेट में नहीं है। इसके बाद आपको सिंपल ये वाले पेज पे आ जाना है, आने के बाद आपको सिंपल इधर मिंटिंग का आएगा ऑप्शन, आप जाके मिंट कर सकते हो, 1, 5, 10, 20 कितने भी मिंट कर सकते हो। तो आपको इस पेज पे आते ही वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का दिखाने लग जाएगा, ब्रिज एंड मिंट पर फ्री करके, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कितनी भी सिलेक्ट कर सकते हो, फीस बहुत कम लगती है इसमें, ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ, मिंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ और आपको मेटामास्क में एक ट्रांजेक्शन आ जाएगी, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये गाइस दूसरी NFT है जिसको आप मिंट करके ब्रिज भी कर लेना है। तो इधर देख लो फीस कितनी लग रही है, बहुत कम में लग रही है, और मैं कितनी NFT मिंट कर रहा हूँ। देखो गाइस, वो जो NFT है वो अभी नहीं तो आगे जाके उसकी $5-10 तो वैल्यू आ सकती है, या फिर फिलहाल में $1-2 तो मिल ही जाएगा उसमें, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा NFT मिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब होने के बाद आपको लास्ट में ये वाला पेज पे आ जाना है और इधर पार्टिसिपेट लिखा रहता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इसमें आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। तो आपका कंप्लीट होता है इस तरह का आपको दिखाने लग जाएगा कि आप पार्टिसिपेट हो चुके हो। और रेफल देखो 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा करके लिख रहा है, 2 दिन 9 घंटा, मतलब 9 तारीख के अंदर अंदर। तो अभी वीडियो देख के फटाफट कर लो। तो गाइस अभी जाके वीडियो देखते ही तुरंत ये स्टार्ट कर लो और अपना टास्क जो भी है कंप्लीट कर लो। जो ट्रिक बताई है वो ज़रूर इस्तेमाल करना। मिलते हैं अगले दोस्तों, टेक केयर एंड बाय, हैव अ नाइस डे।